हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो वैसे यूट्यूबर्स के लिए हैं जो कि अभी अभी नया चैनल स्टार्ट किए हैं, यानी न्यू यूट्यूबर्स के लिए है। यदि आप बहुत पहले से यूट्यूब पर काम करते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यह वीडियो स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स के लिए बनाया गया है। यदि आप लोग जो पुराने यूट्यूबर हैं वो नहीं जानते हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। आप भी इस वीडियो को यदि आवश्यकता हो तो वॉच कर सकते हैं। तो नए नए यूट्यूबर जब भी यूट्यूब पर नया नया चैनल क्रिएट करते हैं तो उनके दिमाग में यह बात आता है कि हमें हमारा वीडियो चल नहीं रहा है तो हमें कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहिए या फिर अच्छा कैमरा परचेज करना चाहिए या फिर माइक परचेज करना चाहिए, ऐसा दिमाग में आता रहता है। उसी टॉपिक पर हम लोग विशेष बात करने वाले हैं कि न्यू यूट्यूबर्स को शुरुआती के टाइम में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल लो बजट में हम लोग समझने वाले हैं, समझिए कि एक तरह जीरो बजट में समझने वाले हैं कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है न्यू यूट्यूबर्स के लिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी अभी आप एक नया चैनल स्टार्ट किए हैं तो शुरुआती के टाइम में आपके पास एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप मोबाइल से ही वीडियो एडिट कर पाएंगे, मोबाइल से थंबनेल क्रिएट कर पाएंगे, मोबाइल से ही आप वीडियो को अपलोड कर पाएंगे और शूट भी कर पाएंगे वीडियो को मोबाइल से। तो सबसे पहला जो आपको चाहिए वो आपका फ़ोन चाहिए। फ़ोन तो अक्सर अभी के समय में सभी के पास हो रहा है, तो फ़ोन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, एक स्क्रीन टच फ़ोन। इसके अलावा आपको चार सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल एक पैसा नहीं लगने वाला है इन सॉफ्टवेयर में। वो कौन कौन से चार सॉफ्टवेयर हैं, आइए उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है काइनमास्टर। यदि आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको एडिट ज़रूर करना पड़ेगा वीडियो को, वीडियो में थोड़ा बहुत गलती हो ही जाता है बोलने में, तो उसको जहाँ पर गलती हुए हो वहाँ पर कट लगाना पड़ेगा, फिर उसको ज्वाइंट करना पड़ेगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप काइनमास्टर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। दूसरा सॉफ्टवेयर आ जाता है आपका ओपन कैमरा। जब आप शूट करेंगे वीडियो को तभी तो आप वीडियो को एडिट कर पाएंगे। नॉर्मली आप अपने फ़ोन का कैमरा यदि इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उतना क्लियर क्वालिटी नहीं आता है, और साथ ही उसमें जो होता है उसका एक्सपोजर जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता रहता है वो लॉक नहीं होता है नॉर्मल कैमरा में। वहीं ओपन कैमरा में यदि हम बात करें तो उसका एक्सपोजर जो होता है वो लॉक हो जाता है, यानी आप एक ब्राइटनेस पर लॉक करके वीडियो को शूट कर सकते हैं जिससे लाइट कम या ज़्यादा नहीं होगा आपके वीडियो में। तो आप वीडियो शूटिंग के लिए ओपन कैमरा का यूज कर सकते हैं। तीसरा सॉफ्टवेयर आ जाता है पिक्सल लैब, यानी जब भी आप वीडियो एडिट कर दिए, उसको एक्सपोर्ट कर दिए, उसके बाद आपको वीडियो का थंबनेल क्रिएट करना पड़ेगा, किस टॉपिक पर आपका वीडियो है, किस तरह का आपका वीडियो है, किस तरह का डिज़ाइन बनाना है थंबनेल का, वो सब बनाने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन का। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल उससे बनता है। तो थंबनेल बनाने के लिए आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। चौथा जो सॉफ्टवेयर है एंड लास्ट है, वो सभी क्रिएटर यूज करते हैं यूट्यूब पर, जितने भी क्रिएटर हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए वो एप्लीकेशन का नाम है कि YT स्टूडियो। यानी YouTube का जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो तो सभी के लिए है, क्रिएटर के लिए या फिर कस्टमर जो आते हैं वीडियो देखने के लिए उनके लिए है, और जो YT स्टूडियो है वो एप्लीकेशन स्पेशली YouTube क्रिएटर्स के लिए बना कर दिया है। आप उसमें चैनल का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, अपने चैनल का कितना वीडियो अपलोड हुआ है, किस वीडियो पर कितना व्यू आया है, रियल टाइम कितना व्यू है, यदि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो अर्निंग कितना हुआ है, सब कुछ A to Z उस पर शो करेगा आपके चैनल से रिलेटेड डिटेल्स। तो आप क्रिएटर हैं और YT स्टूडियो एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड करके उसी ईमेल से लॉगिन कर लीजिए जिस ईमेल से आपका चैनल है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल के अलावा एक्स्ट्रा चार सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। कौन कौन है? पहला है काइनमास्टर जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए काम आता है, दूसरा है ओपन कैमरा जो कि वीडियो शूट करने के लिए काम आता है, तीसरा है पिक्सल लैब जो कि थंबनेल बनाने के काम आता है, और चौथा है YT स्टूडियो जिसमें आप अपने चैनल का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। यदि आप शुरुआत किए हैं यूट्यूब पर तो इन सभी सॉफ्टवेयर के अलावा, एक मोबाइल के अलावा, आपको और किसी भी चीज़ को परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। इससे ही आप एक अच्छा कंटेंट बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तो यदि आप नहीं डाउनलोड किए इन एप्लीकेशंस को तो अभी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।